तीन फायदे जो मुझे ब्रह्मचर्य से मिले। सबको पता है कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना है, पर जब बात उन बातों को अप्लाई करने की आती है तो आधे से ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। मेरी भी जिंदगी ऐसे ही कट रही थी, और मुझे पता है आधे से ज्यादा लोगों की अभी भी वैसी ही कट रही है। पर अब वीडियो में आ ही गए हो तो पूरा देख ही लो, क्योंकि तीन फायदों के साथ ही एक ऐसा फैक्टर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम आज से ही उसे अप्लाई करके आगे बढ़ना शुरू कर दोगे। पहले बात अपने मेन टॉपिक की करेंगे, क्योंकि भाई मेरी लाइफ में रोमांच भरने वाला पार्ट ही तब शुरू हुआ जब मैंने ब्रह्मचर्य शुरू किया। मुझे कितनी एनर्जी थी और मैं क्या क्या कर सकता था, ये सब मुझे तब पता चला जब मैंने एक साल का ब्रह्मचर्य पूरा कर लिया। असंभव था भाई, मेरे लिए भी ब्रह्मचर्य इतना ही असंभव था जितना कि कामदेव के लिए है। कसम से गजब की काम वासना भरी पड़ी थी। एक टाइम तो ऐसा था जब काम वासना में अंधे होकर पढ़ाई लिखाई साइड में रखकर बस छोरियां घुमा रहे थे, और करियर के साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट भी डेड हो गया था। मैं तो मरने का इंतजार कर रहा था, भयंकर डिप्रेशन में था, लाइफ में पूरी तरह फेल हो चुका था। पर मेरी आत्मा में आग तब लगी जब मेरे ही एक छोटे कजिन ने मेरी इंसल्ट की। भाई साहब, भगवान नरक की यातनाएं दे देता, मेरे पकोड़े तल देता, मुझे पहाड़ी से नीचे फेंक देता, पर भगवान ने क्या किया, मेरे से छोटे कजिन से मेरी बेइज्जती करवा दी। ऐसा नहीं है कि मेरा खौफ उसमें नहीं था, वो हिचकिचाते हुए ही बोला, पर उनसे जो शब्द बोले वो शब्द आज भी मेरे कानों में वैसे ही गूंजते हैं। पर मैंने उसको पलट कर कुछ बोला नहीं। मैंने एक गहरी सांस ली और मन में संकल्प लिया कि बस अब चाहे धरती फट जाए या आसमान नीचे गिर पड़े, पर इसको ऐसा जवाब दूंगा कि इसकी आत्मा दहल जाए। कामयाबी का गुरूर अगर सिर पर चढ़ जाए तो आदमी के पैर जमीन पर नहीं टिकते। मैंने वहीं से शुरुआत की, सबसे ब्रह्मचर्य के संकल्प में एक्सरसाइज और साइकोलॉजी का तड़का मारा कि इस साले को हर जगह बीट करूंगा, और ऐसे जिंदगी का सबसे बुरा समय मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम की शुरुआत करके गया। पहला फायदा यह हुआ कि लायन एटीट्यूड डेवलप हो गया। सारा खेल ही एटीट्यूड का है। ब्रह्मचर्य जैसे जैसे पकता गया वैसे वैसे मेरे अंदर का डर खत्म हो गया। फिर तो मैंने मंत्र साधना भी शुरू की, उसका असर यह हुआ कि मेरे रुके हुए काम भी चल पड़े। मैं जो पूरी तरह फेल हो चुका था वो भी वापस गेम में एंट्री ले चुका था। और मेरे भाई, समय बदलता है, इस दुनिया में फेलियर को टैकल करना हर किसी के बस की बात नहीं है, और उस बंदे की बस में तो बिल्कुल नहीं है जो कभी फेल ही नहीं हुआ। उस कजिन को एग्जाम में फेलियर मिली और वो अब मुझसे एडवाइस लेता है, क्योंकि उसको अब मेरी वैल्यू पता चली, क्योंकि उसकी फेलियर मेरी फेलियर का 1% भी नहीं है, पर उसका डर मेरे डर से 1000 गुना ज्यादा है, क्योंकि अकड़ में कुछ भी बोलोगे तो मौका आने पर वापस सुनना पड़ेगा। पर मुझे जिस हालात में ब्रह्मचर्य से आत्मविश्वास मिला, ये ठीक वैसा ही था जैसे इंडियन क्रिकेट टीम को जीतने के लिए आखिरी बॉल पर धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट मिलता था। मुझ में ब्रह्मचर्य से जो स्टेबिलिटी आई है वो अगर पहले होती तो भाई आज कम से भी कम 50 लाख साल के तो कमा रहा होता, क्योंकि मैंने तुम्हें आज दिन तक नहीं बताया कि मैंने पढ़ाई किस चीज की छोड़ी थी। बस इतना बता देता हूँ कि जब मैं काम से बैंक भी जाता था तो बैंक मैनेजर मुझे बैठने के लिए अपनी चेयर ऑफर करता था, और 5-स्टार होटल से खाना मंगवाता था। अर्श से फर्श तक का सफर मैंने देखा है, और अब ब्रह्मचर्य के दम पर फर्श से अर्श तक भी जाऊंगा। मेरे लिए लाइफ में इतना असफल होना मतलब जिंदगी बेकार, जैसे हीरा कचरे में पड़ जाए तो उसकी कीमत कचरे के बराबर ही हो जाती है। वैसे ही मेरी कीमत हो गई थी, पर ब्रह्मचर्य ने मुझे जो आत्मविश्वास दिया भाई, वो तो मेरे लिए वरदान से भी ज्यादा है। इसी के साथ फिर से शेयर मार्केट में स्विंग ट्रेड में प्रॉफिट कमाया और लाइफ में आगे बढ़ना जारी है। दूसरा फायदा जोश। भाई ये फायदा मेरा फेवरेट है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के पहले मैं ऐसे पड़ा रहता था जैसे कोई लाश पड़ी हो। घर वाले काम बता बता कर थक जाते थे, पर मुझे कुछ भी काम करने में मौत आती थी। पर जो जोश मुझे ब्रह्मचर्य से मिला भाई, ये अलग ही लेवल का है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी जंग का हिस्सा हूं और भयानक युद्ध हो रहा है और मुझे जीतना है। मेरे सिर पर जीत सवार है, मेरे और मेरी जीत के बीच में कोई भी आया तो मैं उसे उड़ा दूंगा। मुझे मेरा काम करना है, और इतने बेहतरीन तरीके से करना है कि मरते टाइम तक मन में सुकून रहे कि मैंने जो करना था वो कर दिखाया। भाई ब्रह्मचर्य की एक खास बात है कि बीच बीच में अग्रेशन आता है, क्योंकि काम वासना को जब जब आप इग्नोर करोगे तब तब वो शक्ति मन और शरीर में उबाल मारेगी। तब आप क्या करते हो वही सबसे मजेदार दाव है। भाई बता,
तू सबसे पहले शरीर की एनर्जी को शांत करो और उसके लिए एक्सरसाइज करो वारना। वो नहीं रुकने वाली और आप सह भी नहीं पाओगे। जब हस्तमैथुन की आदत है तो मरपच के अंत में आप हिला ही लोगे। इससे बढ़िया है शरीर को थका डालो, क्योंकि बॉडी शेप में आएगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर सामने वाला कोई भी हो, बॉडी लैंग्वेज में आप भारी पड़ोगे। और दूसरा, एक्सरसाइज करने से अंदर न डिप्रेशन बचता है न ही नेगेटिविटी रुकती है। तीसरा फायदा, माइंड की फास्ट प्रोसेसिंग। जैसे मोबाइल का प्रोसेसर होता है, वैसे ही माइंड भी एक प्रोसेसिंग डिवाइस की तरह है। हिला हिलाकर प्रोसेसर की क्वालिटी लोग कम कर लेते हैं, पर मैंने देखा कि जैसे जैसे ब्रह्मचर्य पकता गया, वैसे वैसे मेरे माइंड की प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ गई। क्योंकि ट्रेडिंग में इंस्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं और एक गलत डिसीजन आपको लॉस में ले जाएगा, और पहले मैं लॉस में ही था, पर अब जब फिर से सब शुरू किया तो प्रॉफिट में चल रहा है, क्योंकि दिमाग एकदम फोकस्ड रहता है। और पहले ही सारी प्रोबेबिलिटी निकाल कर ट्रेड में घुसता हूँ। मार्केट का मूव जो भी रहे, मेरे पास पहले से ही रास्ता होता है कि मुझे क्या करना है। इसी के साथ डेली रूटीन को भी इतना इफेक्टिव बना दिया कि सब शॉर्ट में हो रहा है। अब मेरे पास इनफ टाइम है। मतलब कभी कभी तो ऐसी फीलिंग आती है कि एक साल का ब्रह्मचर्य मुझे इतना स्ट्रांग बना सकता है, तो अगर मैं 7 साल हस्तमैथुन और गर्लफ्रेंड में बर्बाद नहीं करता तो आज कितना ज्यादा सक्सेसफुल इंसान होता। पर अभी भी देर नहीं हुई, जल्दी ही कामयाबी बड़ी होगी। अब लास्ट पॉइंट अपना आता है और वो है टारगेट। जब से मैंने टारगेट बनाना शुरू किया है तब से मेरी लाइफ में रोमांच भी है और सक्सेस भी। अगर मैं लाइफ में टारगेट नहीं बनाता तो कुछ नहीं होता। हर एनर्जी को डायरेक्शन की जरूरत होती है। अगर आप भी खुद की एनर्जी को डायरेक्शन दे दोगे तो कम ही समय में हर टारगेट पूरा होगा, इतना मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि ये सब मेरे साथ हुआ है। बाकी ब्रह्मचर्य के लिए केवल और केवल आप ही जिम्मेदार हो, इसलिए ब्रह्मचर्य नहीं हो रहा या टूट गया ये सब बोलना बंद कर दो और थोड़ा मन को जोर से मार कर एक बार अच्छे से ब्रह्मचर्य पूरा कर लो। मैं आपके साथ हूँ।